प्रॉब्लम नंबर टू पॉइंट टू सिक्स इट इज क्लेम दैट टू सीजियम क्लॉक्स इफ अलाउड टू रन फॉर हंड्रेड ईयर्स फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस मे डिफर बाय ओनली अबाउट जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड वट डज दिस इम्प्लाई फॉर द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड सीजियम क्लॉक इन मेजरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ वन सेकेंड अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि हमारे पास दो सीजियम क्लॉक्स हैं हम अगर वो हंड्रेड ईयर्स रन कर रही हैं तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है रीडिंग का वो आ रहा है 0.02 पॉइंट सेकेंड्स तो व्हाट डस दिस इम्प्लाईज फॉर एक्यूरेसी तो इसे एक्यूरेसी से क्या रिलेशन है एक सीजियम uh, क्लॉक का टाइम इंटरवल ऑफ वन सेकेंड में सो so स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हेयर डिफरेंस shown by two clocks in hundred years just 0 0.02 second so up that in one second right? measuring the time interval of one second so two clocks, Will show in one second. Okay. Two clocks will show one second difference is equal to so zero point zero two second divided by hundred years. वन सेकेंड का डिफरेंस शो करने के लिए हमें कितना ठीक सो वन सेकेंड में हमें कितना डिफरेंस शो हो रहा है हम वो देखते हैं सो so स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशंस भी आप देख लिए न्यूमिनेटर में सेकेंड है और डिनोमिनेटर में ईयर्स हैं सो वी हैव टू जस्ट कन्वर्टेड ईयर्स आल्सो इनटू सेकंड्स सो जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड सो हंड्रेड ईयर्स इन वी नो डेट इन ईयर इन आ ईयर थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड इन अ डेज वी हैव ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स वी हैव सिक्सटी मिनट सो यहाँ पे मिनट आ गया सो इन मिनट वी हैव सिक्सटी सेकेंड्स, सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट सिक्स पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेल्व सो ये डिफरेंस आ रहा है एक सेकेंड में सो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट टू पावर माइनस इलेवन सेकेंड का कि दोनों क्लॉक में पर सेकेंड जो डिफरेंस आ रहा है वो टेन रेज टू पावर माइनस इलेवन सेकेंड आ रहा है क्यों यहाँ पे हमें यह सिग्निफिकेंट फिगर यूज किया यहाँ पे सिक्स है सो ग्रेटर देन फाइव हो गया सो so, हमने अप्रोक्सीमेटली इसे लिखा है टेन रेज टू पावर माइनस इलेवन सेकेंड सो अब लिख लेते हैं इसको हम अपने आंसर की फॉर्म में देअर फोर The difference, therefore, the difference in accuracy shown by the clock is ten raised to power minus eleven in. One second. So ten raised to power minus eleven second in a one second, or in other words, we also can say that one in ten raised to power eleven. So this is the difference we got in one second.